गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड सिक्स सब्जेक्ट संस्कृत। संस्कृत विषय में आज जो हम समझने वाले हैं वो है मम परिचय। मम परिचय मीन्स माई सेल्फ। माई सेल्फ में पहले हम क्या बोलते हैं, मान नयन की चित नयन। वैसे ही हमें संस्कृत में बोलना है। आइए देखते हैं, मम नाम ग्लेन अस्ति। तो यहाँ पहली ग्लेन में हमें हमारा नाम लिखना है, जैसे नया और एक विषय, या अगर गर्ल्स है तो गर्ल्स का नाम लिखना है पायल, ठीक है। हमें संस्कृत में जहां पुल्लिंग नाम लिखते हैं उसके पीछे विसर्ग लिखना है, और जहां स्त्रीलिंग नाम है उसके पीछे विसर्ग नहीं आएगा, इसलिए हमने यहां विसर्ग नहीं लिखा है। तो क्या हो जाएगा, देखिए, मम नाम नयन अस्ति, या फिर गर्ल्स का नाम है तो मम नाम पाय अस्ति, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं, मम पितुः नाम ग्लेन अस्ति। यहाँ हमें हमारे फादर का नाम लिखना है, आपको भी आपके फादर का नाम लिखना है, कॉपी नहीं करना है, ठीक है। आइए देखते हैं, मम पितुः नाम महेश पाल अस्ति। क्या हो जाएगा, दोबारा देखते हैं, मम पितुः नाम महेश पाल अस्ति। आपको भी आपके फादर का नाम लिखना है मतलब में, और एक साथ में लिखते भी जाना है, ठीक है। आगे आइए देखते हैं, मम मातुः नाम ग्लेन अस्ति। यहाँ हमारी माता जी का नाम लिखना है, मदर से यहाँ लिखना है। तो मैं मेरी माता का नाम लिखता हूँ, मदर का नाम लिखता हूँ, मम मातुः नाम भावना ग्लेन अस्ति। क्या हो जाएगा, मम मातुः नाम भावना ग्लेन अस्ति, ठीक है। आगे देखते, मम कुल नाम ग्लेन अस्ति। तो यहाँ हमें हमारी सरनेम लिखनी है, ठीक। मम कुल नाम प्रजापति अस्ति, ठीक है। आगे देखते हैं, मम परिवार ग्लेन ग्रामे नगरे बस। हमें यहाँ हमारा परिवार कहाँ रहता है वो लिखना है, ग्रामे या फिर नगरे। विलेज है तो ग्रामे आएगा, और सिटी है तो हम यहाँ नगरे लिखेंगे। आइए देखिए, मम परिवार मुगरी ग्रामे वसति। तो नगरे के ऊपर हमें डैश लगाना है, या फिर हम यहाँ सिटी का नाम लिखते हैं कलमसर। तो यहाँ क्या आएगा, मम परिवार परम सर नगरे वसति, तो ग्रामे के ऊपर डैश लगाना, ठीक है। तो यह है हमारा परिचय। संस्कृत में हम हमारा परिचय ऐसे दे सकते हैं। संस्कृत सब्जेक्ट का पहला जो लेसन है उसका नाम है वन। वह लेसन समझने वाले हैं। यह लेसन में 3 श्लोक दिए गए हैं, जिसमें पहले श्लोक में गुरु की महिमा गाई गई है। सेकंड नंबर श्लोक में विघ्न विनाशक गणपति जी की आराधना की गई है, और थर्ड नंबर जो श्लोक है जिसमें सरस्वती देवी की उपासना की गई है। तो आइए यह श्लोक हम समझते हैं। तो पहले श्लोक में हम समझेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पहला श्लोक दिया गया है, तो इसका पहले हम गान करें, ठीक है। तो आइए सुनते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश कहा गया है, महेश के समान कहा गया है।
गुण साक्षात पर ब्रह्म का रूप है ऐसा समझाया गया है। तो आइए हम यह श्लोक के मीनिंग वर्ड देखते हैं। यहाँ मीनिंग वर्ड दिए गए हैं, मीनिंग वर्ड फर्स्ट वर्ड इज साक्षात मीन्स मैनिफेस्ट, सेकंड वर्ड पर ब्रह्म मीन्स द अल्टीमेट गोल, तस्मै टू दैट नमः मीन्स सैल्यूट। अब हम ट्रांसलेशन समझेंगे, यह है ट्रांसलेशन, द टीचर इज ब्रह्मा, द टीचर इज विष्णु, द टीचर इज लॉर्ड शिवा एंड द टीचर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द अल्टीमेट लॉ। सैल्यूट विद बोथ हेड एंड फोल्डेड हैंड्स टू दैट टीचर, ठीक है। तो यह हमारा पहला श्लोक जो आपको नोटबुक में लिखना भी है, श्लोक लिखने के बाद श्लोक को गाना भी है, बाद में मीनिंग वर्ड लिखना है और बाद में ट्रांसलेशन लिखिए, ठीक है। हमें कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले विघ्न विनाशक गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। तो आइए हम यह श्लोक देखते हैं, ये रहा श्लोक, अब हम ये श्लोक का गान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यह श्लोक के मेन वर्ड देखते हैं, वक्रतुंड विद द फेस, नेक्स्ट वर्ड महा with the huge body, nirvidhnam means hard and thin, kuru means meek या फिर रिम। आइए ट्रांसलेशन समझते हैं यह श्लोक का। ओ यू विथ द क्रूक फेस ह्यूज बॉडी एंड द ब्रिलियंस ऑफ क्रोस ऑफ सन्स गणपति प्लीज मेक मी हार्ड एंड फ्रिट इन ऑल माई गुड डीड्स forever। यह लेसन के थर्ड श्लोक में सरस्वती देवी की स्तुति गाई गई है, तो आइए यह श्लोक देखते हैं। अब हम यह श्लोक का गायन करेंगे, तो देखिए। नमस्ते सारसे देवी बिना पुस्तक धारी विद्यारम्भम करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। यह श्लोक के मीनिंग वर्ड समझते हैं, करिष्यामि मीन्स विल डू या फिर एम डूइंग, सर्वदा मीन्स ऑलवेज, प्रसन्ना भव सो बी प्लेजेंट। नेक्स्ट आगे ट्रांसलेशन देखते हैं। ओ गॉडेस सारा होल्डिंग अ वीणा एंड अ बुक माइंड सैल्यूट टू यू, आई शैल स्टार्ट स्टडीज एंड स्टार्टिंग स्टडीज बी प्लेसिंग विथ मी फॉर एवर। हमने यह वंदना लेसन समझा जिसमें तीन श्लोक दिए गए हैं और पहले श्लोक में गुरु की महिमा गाई गई है, गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप बताया गया है। तो हम जब भी विद्या प्राप्ति करने बैठे हैं तो हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए। सेकंड नंबर श्लोक में हमें विघ्न विनाशक गणपति जी की आराधना का श्लोक दिया गया है, तो हम जब शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमें यह श्लोक गाना चाहिए। और थर्ड श्लोक में विद्या की देवी सरस्वती की उपासना की गई है, ठीक है। तो हमें यहाँ तीनों श्लोक नोटबुक में कंप्लीट करने हैं, मीनिंग वर्ड भी लिखने हैं और ट्रांसलेशन भी कंप्लीट करना है। नीचे देखिए एक बॉक्स दिया गया है जिसमें विशेष वर्ड्स दिए गए हैं, गुरु ब्रह्मा, तो मीनिंग है गुरु ब्रह्मा, संधि से अलग मीन्स संधि करना है, अलग वर्ड करना है। गुरु देवो महेश्वर, तो गुरु देव महेश्वर। थर्ड गुरु विष्णु, तो गुरु विष्णु। ऐसे
हमें यहाँ तीन वर्ड दिए गए हैं, तो ये भी हमें नोटिस में लिखना है।